गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी सुबह हो ही रही थी, और सुबह ये कैसा वक्त होता है जब कोलकाता में मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है। बेटी को स्कूल भेजने के बाद, उसका लंच बॉक्स बनाने के बाद, फिर अब मैंने बनाई अपने लिए चाय, और अब बैठ करके चाय पीते हैं। सुबह की जो चाय है ना, वो मुझे थोड़ा सा सुकून से बैठ के पीना पसंद है, इसीलिए बेटी को भेज दिया तब बनाया, जिसे आराम से बैठ करके पी सके। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया ये नमकीन वाली सिवई अपने और बेटे के लिए, एक ही प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि छोटा है अभी, तो फिर अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ है। मैं जब आई थी यहाँ पर, तो शिफ्टिंग में मैंने ऐसे ही जो जैसे मिला वैसे रख दिया, तो आज सोचा मेरे पास टाइम है तो इसे थोड़ा सा क्लीन कर। ऑलमोस्ट जो है सेटअप हो गई है, मैंने सेटअप कर दिया है। इस तरह से मैंने कपड़ों को अलग अलग लगा करके रख दिया है। एक ही पोर्शन केवल मैंने अभी किया है, नीचे बुक्स कॉपी अभी वो सब सेटअप नहीं हुई है, क्योंकि बेटी की बुक्स आई तो उसमें जो जो उसे लेके जाना रहता है मैं कवर लगाती जाती हूँ, वो लेती जाती है, तो अभी उसको सेटअप नहीं किया है। ठीक है, अगर बड़े कपड़े छोटे कपड़े दोनों एक साथ मिला करके रख देते हैं तो ज़रूरत पड़ने में ढूंढने में ना काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज चलो फ्री हूँ तो ये काम कर देती हूँ। तो हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं तीन चार दिनों के लिए, तीन चार दिनों के बाद आएंगे, तो इस वजह से हम लोग घर पर हैं। बेटी स्कूल जा चुकी है, हम और मेरा छोटा बेटा अभी घर पर है। तो अभी शिफ्ट होने के बाद जो है सामानों को, जैसे आने के बाद थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ पर भी मुझे लगा उसको हम रख दिए थे, वैसे बहुत सेट करके नहीं रखे थे क्योंकि ज़्यादा सामान था तो एक साथ हो नहीं पाया। तो अब क्या है कि धीमे धीमे जो चीज़ें लगती हैं कि अब बहुत ज़्यादा भर दिया है तो उसको निकाल करके सेट करते हैं। और अब जैसे हस्बैंड है नहीं तो, और बेटी को भी स्कूल भेज दिया है, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास वैसे काम भी नहीं है। ब्रेकफास्ट जो है मैंने सुबह जो उसके लंच उसमें लंच बॉक्स में बनाया था, वही ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया, और दोपहर में भी लंच बनाना रहे। उसके बीच में जो मुझे ये खाली समय मिला तो उस पर मैंने जो है सोचा कि थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं घर को जो बचा हुआ था। होता क्या है कि अगर बड़े कपड़े छोटे कपड़े दोनों एक साथ मिला करके रख देते हैं तो ज़रूरत पड़ने में ढूंढने में ना काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज चलो फ्री हूँ तो ये काम कर देती हूँ। तो हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं तीन चार दिनों के लिए, तीन चार दिनों के बाद आएंगे, तो इस वजह से हम लोग घर पर हैं। बेटी स्कूल जा चुकी है, हम और मेरा छोटा बेटा अभी घर पर है। अभी शिफ्ट होने के बाद जो है सामानों को, जैसे आने के बाद थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ पर भी मुझे लगा उसको हम रख दिए थे, वैसे बहुत सेट करके नहीं रखे थे क्योंकि ज़्यादा सामान था तो एक साथ हो नहीं पाया। तो अब क्या है कि धीमे धीमे जो चीज़ें लगती हैं कि अब बहुत ज़्यादा भर दिया है तो उसको निकाल करके सेट करते हैं। और अब जैसे हस्बैंड है नहीं तो, और बेटी को भी स्कूल भेज दिया है, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास वैसे काम भी नहीं है। ब्रेकफास्ट जो है मैंने सुबह जो उसके लंच उसमें लंच बॉक्स में बनाया था, वही ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया, और दोपहर में भी लंच बनाना रहेगा। तो उसके बीच में जो मुझे ये खाली समय मिला तो उस पर मैंने जो है सोचा कि मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे मेरा वो वार्डरोब एकदम मैसी हुआ पड़ा था ना, वैसे ही ये एरिया मेरा किचन का ये भी काफ़ी फैला हुआ। एक्चुअली हम लोग जब आए ना तो फिर उसी दिन चले गए थे रात में, शाम को यहाँ पहुँचे, रात में चले गए थे, ग्रॉसरी लेकर के आए और सारा सामान ला करके ऐसे ही रख दिया है। अभी इनको डिब्बों में बंद करके नहीं रखा, सारी पैकेट्स बाहर हैं, फिर जो पैकेट्स खुली हैं बस उन्हीं को डिब्बों में बंद किया। ना आने के बाद फिर इतना काम था, स्कूल ढूंढना था और भी बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी थी, सब कुछ सेटअप करना था, इसलिए सब कुछ करना भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसका भी नंबर आएगा आज शाम तक या कल, उसका भी नंबर आ जाएगा, वो भी क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बना ली है दाल, मैंने यहाँ बनाई दाल, और ये बनने को रखा है चावल, और ये मैंने बनाया है आलू भुजिया। एक्चुअली क्या है ना कि समझ में नहीं आता है जब अकेले रहो, हम लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर घर पे और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उनके लिए तो फिर ये रहता है कि हाँ चलो ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन जब अकेले पढ़ते हैं तो ये होता है कि चलो कुछ भी बना लेते हैं खा लेंगे। तो बहुत देर हम सोचे क्या बनाए क्या बनाए, फिर बच्चों का सवाल था
तो हम सोचे लाओ चावल दाल रोटी सब्जी एक टाइम पूरा प्रॉपर बना लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे कायदे से। आपको अपनी मंदिर का टूर कराते हैं। हाँ, तो ये है हमारी मंदिर, जो आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपने मंदिर को डेकोरेट किया और अभी और भी डेकोरेट करना बाकी है। और साथ में ये फ्रिज जो है यहीं पर ओनर की ही है, क्योंकि मकान जो है वो फुली फर्निश्ड दिया हुआ था, तो यहाँ पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सब सारी चीज़ें पूरा फुली फर्निश्ड हमको घर मिल गया था। तो बेटी के स्कूल से आने का टाइम जो है वो है 3 बजे तक, 2:30 बजे छुट्टी होती है, आधे घंटे में आ जाती है। तो अभी हम खाली ही थे, बैठे बैठे मैंने सोचा लहसुन छिल लें और आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं। अच्छा, आपने अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, आप मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में और क्या चीज़ें करूं और क्या चीज़ें दिखाऊं या कुछ नया करूं, कुछ इंटरेस्टिंग करूं, क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूं और मुझे इतना आइडिया नहीं है। मुझे ना छिपकलियों से बहुत डर लगता है और यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर छिपकलियाँ बहुत हैं और जिस वजह से हम किचन से बाहर आ गए और अब छिपकली पहले बाहर। ये है मेरा दो लंच। तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी इसलिए मैं खा ले रही हूँ, वरना बेटी के आने के बाद ही खाती हूँ 3 बजे के बाद। आज मुझे भूख लग गई थी और भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मैंने दाल को फ्राई भी नहीं किया, बस केवल घी डाल के ऐसे खा ले रहे हैं। और आज मुझे अकेले खाना पड़ रहा है बिकॉज हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड कटक गए हैं उड़ीसा। लंच को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं, सी यू सून। तो मैं यहाँ से एक विंडो के पास खड़ी होकर के बेटी का वेट कर रही हूँ। तो मैंने खिड़की से देख लिया था और फिर मैं आ करके जल्दी से डोर ओपन कर दी। हेलो मम्मी, कैसा था आज का दिन? अच्छा था। देखो, मैंने बैग रखने के लिए तुम्हारे लिए ये ना प्लेस खाली कर दिया है, तुम यहाँ पर बैग रख देना। शूज़ अपना इसी टाइम पे कबर्ड में डाल दो। देखिए, आते ही जो है फ़ोन देखना शुरू हो गया, बच्चों का तो यही मेन प्रॉब्लम है। सामने प्लेट रखी है पर ध्यान सारा का सारा फ़ोन में ही है। सिद्धि, सामने तुम्हारा लंच रखा हुआ है। सामने लंच रखा है बट फ़ोन सेटअप हो रहा है। यहाँ अमेज़ॉन की तरफ से मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था। एक्चुअली मैंने एक शूज़ ऑर्डर किया हुआ था, गर्ल्स शूज़ है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये शूज़ मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये साइज़ एकदम से फिट है, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।